What's up guys, welcome back to the video. So, आज के इस वाले वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्ट 8.4 के 100% एक्सप्लोरेशन के वीडियो सीरीज एंड उसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक्ट 8 चैप्टर 1 एंड क्वेस्ट नंबर 1। काफ़ी अच्छी चीज़ इन लोगों ने ये की है कि भाई हर एक क्वेस्ट के अंदर सिर्फ अभी तीन ही पाथ रखे हैं एंड तीन पाथ के अंदर ही आपको तीनों के तीन बॉसेज जो है डिफीट करने हैं एंड देन फिर आप पूरी की पूरी क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स आपको जो है मिल जाएंगे। बट या मतलब पाथ के रिवॉर्ड्स भी कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एनीवेज स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर लेफ्ट वाले कॉर्नर वाले पाथ से। तो इस वाले पाथ के बेसिकली नोट्स क्या हैं कि भाई काउंटर स्ट्राइक है बेस्ड ऑन दैट कि भाई बेसिकली अपोनेंट जो है अनब्लॉकेबल रहेंगे एंड देन फिर जो है पिक मी अप है कि भाई एवरी 10 हिट पे आपको जो है एनर्जाइज बफ मिलेगा एंड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, ऐसे चैंपियंस लेके आने जो एटलीस्ट अनब्लॉकेबल हिट्स को ब्लॉक कर सके, क्योंकि आगे जाके चैंपियंस ऐसे हैं जो जिनके हिट्स आप डेक्सटरिटी से इवेड करना इम्पॉसिबल है। ओके, तो इसीलिए मैं जैसे यहाँ पर शूरी लेके आया, मैं अपनी 6-स्टार वाली शूरी लेके आया क्योंकि वो अवेकेंट होने के बाद जो है अनब्लॉकेबल हिट्स को भी ब्लॉक कर पाएगी। ओके, एंड देन फिर जिसमें शूरी का डैमेज भी अच्छा खासा है बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी रैंक 3 पर ही रहेगी हमेशा के लिए। एंड वो क्यों, क्योंकि बेसिकली मेरे पास 7-स्टार की शूरी मिल चुकी है। बट या डेफिनेटली अवेकन शूरी की उसकी जो एबिलिटी है अवेकन होने के बाद वाली, डेफिनेटली वो काफ़ी मदद करेगी। तो उसके अलावा तो फाइट काफ़ी सिंपल है, जस्ट आपको अटैक करते रहना है, मेक श्योर करना है सामने वाले अपोनेंट की स्पेशल अटैक जो है अनब्लॉकेबल रहेंगे तो उसको बेट करना है। यहाँ पर कोई भी ऐसा है नहीं कि भाई आपको जो भी क्या कहते हैं नोड्स है वो आपको कैप्चर करने हैं या तो फिर सामने वाले अपोनेंट से नोड्स हटाने या तो फिर नोड्स शट डाउन करने, क्योंकि वो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे। जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले एक्ट 8 में काफ़ी सारा देखा है कि भाई सपोज़ कोई भी वेपन नोड एक्टिवेट रहता होता है एंड देन फिर वो हमको डिसेबल करना होता है एंड देन फिर वो हम अपने लिए भी कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ है। तो डेफिनेटली देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी फाइट जा रही है। मैं जस्ट ये नेक्स्ट वाला स्पेशल अटैक यूज़ करूँगा जिसकी वजह से सारे के सारे जो भी पैसिव डीबफ्स है या तो फिर रेगुलर डीबफ्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे पैसिव के अंदर एंड देन फिर उसका रिफ्रेश भी हो जाता है। तो यार फर्स्ट वाली फाइट तो काफ़ी सिंपल थी, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई आपको स्पेशल अटैक जब कभी भी आप लॉन्च करोगे तो नंबर पे आपको लॉन्च करना पड़ेगा। एंड नंबर पे कहने का मतलब क्या है कि भाई जो भी आपके नोड्स के ऊपर बेस्ड ऑन द नोड आपके हेल्थ बार के नीचे जो भी नंबर दिखाएगा तो वो सेम टू सेम नंबर अगर आपका स्पेशल अटैक लॉन्च करोगे तो ही आप डैमेज करोगे, नहीं तो फिर आप 95 या तो फिर 90% लेस डैमेज करोगे। तो जैसे कि यहाँ पर स्कॉर्पियन के केस में यहाँ पर वो नीचे नंबर 2 लिखा है, जिसका मतलब कि अगर मैं स्पेशल अटैक 2 करूँ मतलब SP2 से डैमेज करूँ तो ही वो एक्चुअल डैमेज करेगा एंड उसकी SP2 की एबिलिटीज काम करेगी, वरना काम करना बंद कर देगी। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप जैसे ही अपना कॉम्बो जो है ये करते हो, क्या कहते हैं कि भाई चेंज करते हो, सपोज़ आपने मीडियम अटैकिंग वाला कॉम्बो यूज़ किया था फर्स्ट टाइम एंड देन फिर नेक्स्ट टाइम जैसे आप लाइट अटैकिंग वाला कॉम्बो यूज़ करोगे तो वो नंबर जो है चेंज हो जाएगा एंड जिसकी वजह से आप अगर आपको चेंज करना हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना हो तो फिर दिक्कत देगा कि भाई नहीं करना था एंड चेंज हो गया, तो वो एक थोड़ी बहुत दिक्कत देगा। एंड देन फिर यहाँ पर ऑफकोर्स मैं काफ़ी अच्छा खासा मार खा रहा हूँ, बट स्कॉर्पियन की प्री फाइट में एक्चुअली जो है क्या कहते हैं रप्चर वाली प्री फाइट लगाने वाला था। फिर मेरे को याद आया कि जो भी प्री फाइट आप लगा रहे हो जो भी डीबफ वाली, तो उस डीबफ के अलावा दूसरे 2 डीबफ से आप इम्यून हो जाते हो। तो लेडी डेथ स्ट्राइक के अंदर अच्छा खासा मतलब मैंने थोड़ा बहुत सोच समझ के ही फिर मैंने शॉक डीबफ वाली प्री फाइट लगाई, जिसकी वजह से मैं पॉइजन इम्यून रहूँगा एंड देन फिर मैं रप्चर इम्यून रहूँगा, नहीं तो अब तक तो फाइट ऑलमोस्ट खत्म हो जाती। तो वो एक चीज़ है, बट अगेन स्कॉर्पियन की एबिलिटी के केस में यहाँ पर क्या कहते हैं कि स्पेशल अटैक कोई भी लॉन्च करो दिक्कत नहीं आती, या तो फिर मेरे केस में मैं अपनी तरफ से रिकमेंड ये करूँगा कि भाई आपके जो भी एंडिंग कॉम्बो के अटैक्स होंगे जैसे कि मीडियम 3 बार लाइट अटैक करके एक और मीडियम यूज़ करते हो तो उसको चेंज मत करो, एग्जैक्टली सेम टू सेम वही रहने दो, जस्ट आपकी पावर मीटर मैच करो एंड ऊपर वाला नंबर जो रोटेट हो रहा है उसको मैच करो, क्योंकि 3 चीज़ें मैनेज करना कंपेयर टू 2 चीज़ें मैनेज करना, तो ऑफकोर्स 2 वाली चीज़ें काफ़ी अच्छी है कि जब कभी भी आप SP2 पे पहुंचो तो आप वेट कर सकते हो बिना मार खाए, बिना हिट किया तो फिर बिना मारे, क्योंकि आप सामने वाले को डैमेज करके भी आपको पावर मीटर बढ़ती है। बट या तो वैसे करके जब कभी भी आपके पास नंबर 2 आए तो तुरंत ही SP2 लॉन्च कर दो, जिसकी वजह से आप पूरा का पूरा मैक्सिमम हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जो है डैमेज करोगे
एंड देन फिर या फाइट काफ़ी इजीली जो है फिनिश ऑफ हो जाएगी। उसके अलावा जस्ट रेगुलर आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई आप क्या कहते हैं कि भी सामने वाले अपोनेंट की एबिलिटीज़ काम कैसी करती है, इवन रेगुलर एबिलिटीज़, तो वो एक चीज़ है हम लोग देखेंगे। जैसे कि मसाक्रे के केस में यहाँ पर वो ब्लॉक के थ्रू काफ़ी ज़्यादा डैमेज करना है, तो अगेन उसके ब्लॉक अटैक्स हमको लेने हैं नहीं। एंड देन फिर मैं यहाँ पर हल्कलिंग इसीलिए ले गया क्योंकि हल्कलिंग बेसिकली काफ़ी अच्छा खासा डैमेज करता है, प्लस जो भी फ्यूरीज उसको मिलेगी उसकी वजह से वो ज़्यादा डैमेज भी करेगा, इवन उसके रेगुलर हिट्स भी जो है ज़्यादा डैमेज करेंगे बेस्ड ऑन द नोट। सो जब कभी भी SP1 आया तो मैंने SP1 लॉन्च कर दिया क्योंकि मेरे को वो शेप शिफ्टिंग चार्जेस चाहिए थे, एंड जैसे ही वो मैं अनब्लॉकेबल पे चला जाऊँ एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं मार खा लेता हूँ। तो या सॉरी एक और नोड है, ऑलमोस्ट मैं भूल चुका था, काउंटर स्ट्राइक वाला नोड है। तो बेसिकली जब कभी भी आप इवेड करोगे एंड मेरे ऊपर जो है पैसिव फ्यूरी आप देख रहे होंगे, तो मेरे ऊपर जो है पैसिव फ्यूरी जब कभी भी नंबर 10 के ऊपर चली जाती है, आई गेस लेट मी कंफर्म, नो यहाँ पर 5 फ्यूरी चार्जेस है, ऑलराइट। सो जब कभी भी मेरी फ्यूरीज जो है 5 के ऊपर चली जाएंगी तो सारी की सारी फ्यूरीज हट जाएंगी एंड देन फिर सामने वाला अपोनेंट जो है वो अनब्लॉकेबल चार्ज गेन करेगा। एंड ऑफकोर्स इसीलिए मैं बोला था कि भाई आपको वैसे चैंपियंस लेके आने जो अनब्लॉकेबल हिट्स को ब्लॉक कर सके। एंड ऑफकोर्स देख सकते हो कि मैंने कॉम्बो चेंज किया जिसकी वजह से मेरे को ऑफकोर्स फ्यूरी तो मिली प्लस ज़्यादा डैमेज भी मिला। एंड ऑफकोर्स देख सकते हो 28,000 के बेसिक अटैक्स हिट्स, सो ऑफकोर्स वाई नॉट, इतना डैमेज तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। सो या मूविंग ऑन, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाली फाइट जो कि होगी शूरी। अभी भाई शूरी जो है काफ़ी दिक्कत देती है क्योंकि शूरी के अटैक्स आप पैरी नहीं कर सकते क्योंकि उसके नॉन कॉन्टैक्ट हिट्स हैं, तो आपको वैसे चैंपियंस लेके जाने पड़ेंगे जो नॉन कॉन्टैक्ट हिट्स को पैरी कर सके, बट फिर वो सेम टू सेम चैंपियंस जो है अनब्लॉकेबल हिट्स को ब्लॉक नहीं कर सकते, तो वो एक दिक्कत है। तो शूरी को डिफीट करने के लिए मेरे केस में मैं रिकमेंड करूँ तो या अपने ये कॉस्मिक क्लास में क्या कहते हैं एंजेला है, वो एक काफ़ी अच्छी खासी रहेगी क्योंकि वो उसको पैरी कर पाएगी क्या कहते हैं शूरी के बेसिक हिट्स को। मेरे केस में मैं माइल्स मोरालेस इसीलिए लेके गया क्योंकि अगर माइल्स मोरालेस के सामने वाला अपोनेंट अनब्लॉकेबल स्पेशल अटैक्स लॉन्च करता है तो गारंटीड चांस है कि वो मिस हो जाएंगे एंड देन फिर वो मेरे को हिट नहीं करेंगे। समहाउ मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाया, अगर वो चाहती तो डेफिनेटली पूरा का पूरा कॉम्बो यूज़ कर सकती थी, बट उसने स्पेशल अटैक से मारने को चूज़ किया, तो वो एक चीज़ है। माइल्स मोरालेस जैसा सेम टू सेम चैम्पियन रहेगा स्पाइडर गोवेन, जो कि उसको अवेकनिंग की ज़रूरत नहीं है, बट अगेन स्पाइडरमैन को भी अवेकनिंग की ज़रूरत नहीं है, उस अवेकनिंग से बेसिकली उसको ज़्यादा डैमेज मिलेगा। एंड या स्पाइडर गोवेन से मैं ये बता रहा था कि स्पाइडरमैन के अपोनेंट अगर वो 100% क्या कहते हैं अनब्लॉकेबल स्पेशल अटैक लॉन्च करते हैं तो वो 100% चांस है कि वो इवेड कर लेगी सारे के सारे हिट्स, तो या जिसकी वजह से आपको इवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी ब्लॉक डैमेज नहीं लेना पड़ेगा। सो या काफ़ी इजीली आप फाइट सर्वाइव कर पाओगे, बट अगेन शूरी दिक्कत देगी ही देगी क्योंकि जैसे ही वो 10 चार्जेस पर चली जाती है तो वो कभी भी हैवी अटैक लॉन्च करने के बाद जो है अनटचेबल एक्टिवेट कर सकती है, मतलब बेसिकली उसका मिस वाला मैकेनिक। तो ऑफकोर्स मैं एक सेकेंड वाला ऑप्शन लेके ही गया था क्योंकि मेरे को वैसा नहीं करना था कि भाई दो ऑप्शंस लेके एक ही ऑप्शन लेके जाओ अंदर फिर दूसरा कोई ऑप्शन बचे ही ना मेरे पास। तो अगेन वन ऑफ दी क्या कहते हैं इजीएस्ट ऑप्शन रहेगा हरक्यूलिस के पास डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, भले ही वो SP1 पे हो SP2 पे हो कुछ भी हो, तो वो एक चीज़ है। एंड या जस्ट मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा कि भाई जितना हो सके सर्वाइव करने का, बट ऑफकोर्स मैं इवेट तो कर ही नहीं सकता, तो मैं उसको SP2 पे पुश करूँगा क्योंकि SP2 एटलीस्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कम डैमेज करेगा, बट पता नहीं। एंड या अब पता चला कि मैं SP2 पे उसको क्यों पुश कर रहा था, SP1 अगर वो लॉन्च करती है तो बेस्ड ऑन मेरे ऊपर कितने भी क्या कहते हैं शॉक डिबफ्स है उसके बेस पे उसको पैसिव जो है क्रिटिकल हिट्स की वो मिलेगी एबिलिटी मिलेगी एंड इसकी वजह से वो क्रिटिकल हिट्स कर सकती है। सो या मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वाली फाइट। अब ये नेक्स्ट वाली फाइट के लिए आपको ऑफकोर्स सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि नॉन मेटल चैंपियंस आपको लेके जाने पड़ेंगे एंड आई गेस हल्कलिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो मेटल चैंपियन नहीं है या तो फिर मेटल है, इसलिए शायद मैं उसको हल्कलिंग को लेके नहीं गया क्योंकि उसके पास वो जो स्वॉर्ड है आई गेस मैंने ध्यान से देखा नहीं। बट या मेरे पास मैंने सोचा था कि भाई शूरी को डिफीट करके कि माइल्स मोरालेस जो है
सेम टू सेम वही चैम्पियन जो है मैं मैग्नीटो के लिए यूज़ करूँगा एंड देन फिर मेरे को इतनी दिक्कत आएगी नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं फंस गया क्योंकि माइल्स मोरालेस ने तो आधे ही रास्ते में साथ छोड़ दिया था एंड देन फिर या हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑफकोर्स एस पी टू उसका ट्रिकी है इवेड करने के लिए, तो ट्राई करो इसको सिर्फ और सिर्फ एस पी वन पर रखो, एंड मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसके एस पी टू को इवेड नहीं कर सकता, बट या जस्ट इन केस मैं उसका रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि ऑफकोर्स बीच बीच में अपोनेंट यहाँ पर अनब्लॉकेबल हो जाते हैं, तो वो एक चीज़ डेफिनेटली रहेगी। एंड फाइट तो एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी अच्छी खासी जा रही है, मेरे को इतनी कोई दिक्कत आ नहीं रही है, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि या जैसे ही नंबर ऑफ थ्री आ जाए वहाँ पर नंबर ऑफ स्पेशल अटैक, तो मैंने एक्चुअली अपना कॉम्बो जो है चेंज किया एंड सम हाउ मैग्नेटो सर्वाइव कर गया 1% तक की हेल्थ पे, एंड या हम लोगों ने उसके स्ट्राइकर अब मेरे स्ट्राइकर यूज़ करके उसको फिनिश ऑफ कर दिया। लास्ट फाइट बची है, लास्ट फाइट रहेगी यहाँ पर क्या कहते हैं इसका क्या नाम है हल्क बस्टर है, एंड हल्क बस्टर के साथ अगेन मेक श्योर करना है हल्क बस्टर आपके ऊपर जो है शॉक डीबफ अप्लाई कर सकता है, तो वो एक चीज़ रहेगा, बट अगेन हल्क लिंग को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो हल्क लिंग लेके जाएंगे क्योंकि उसके पास डैमेज है। एंड अगेन ट्राई करूँगा कि मैं पहले एस पी वन से यूज़ करूँ जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि उसको वो मिल सके बेस्ड ऑन उसके ज़्यादा डैमेज जो है वो मिल सके, फ्यूरीज भी मिल सके। एंड मेक श्योर करना हल्क बस्टर को आप जो है एस पी टू पे लॉन्च ना करो, लॉन्च के आई मीन उसको एस पी टू उसका लॉन्च ना करने दो, क्योंकि बेसिकली ऑफकोर्स देख सकते हो कि भाई हल्क लिंक एस पी टू आई मीन इवेड कर सकते हो काफ़ी, मैंने एक या दो बार किसी को देखा है एक्चुअली इवेड करते हुए, बट या आई मीन बहुत ही ट्रिकी है एंड वो वर्थ इट भी नहीं रहेगा क्योंकि अगर हिट हो जाता है तो या ऑफकोर्स दिक्कत देगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हल्क लिंक का एस पी टू जो है सिर्फ फर्स्ट वाला पोर्शन ही क्रिट हुआ, बट या उसके बाद ऑफकोर्स बेसिक हिट्स में काफ़ी सारा डैमेज हमको देखने को मिल ही रहा है क्योंकि फ्यूरीज हम लोग गेन कर रहे हैं। एंड देन फिर यहाँ पर मैं स्ट्राइकर यूज़ करूँगा, ओह नहीं किया, शायद मेरे को कर लेना चाहिए था, बट या हल्क लिंक के केस में अगर आपको मालूम ना हो तो जब तक कि उसके पास चार प्रेस्टीज चार्जेस ना हो, क्या कहते हैं कि भाई सॉरी चार पियर्स चार्जेस ना हो, तब तक आप जो है डैमेज नहीं करोगे। एंड या ऐसा करके हम लोगों ने इसको डिफीट कर लिया हल्क बस्टर को, एंड देन फिर हम लोग जाएंगे बॉस को डिफीट करने के लिए, एंड होपफुली अभी नेक्स्ट वाला कोई भी अपोनेंट नहीं बचा या हम लोग डायरेक्टली बॉस पर जा रहे हैं। तो बॉस हम लोग इस बार डिफीट करेंगे पहली वाली अमेरिका शावेस, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी ईजी है, सबसे ईजीएस्ट है आई गेस। एंड अमेरिका शावेस को डिफीट करने के लिए बेसिकली आपको ये चाहिए पावर स्टिंग वाली डिबफ चाहिए, या तो फिर पावर स्टिंग डिबफ ना हो तो भी चलेगा, बेसिकली कोई भी डी जनरेशन डैमेज को झेल सके वैसा कोई चैंपियन चाहिए। तो स्पाइडर हैम जो एक काफ़ी अच्छा खासा चैंपियन है क्योंकि बेस्ड ऑन उसके पोर्कर पॉपर्स अगर 10 है तो वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो डैमेज लेगा वो डी जनरेशन पैसिव जो भी है उससे, बट मैं स्टिल ट्राई करना चाहता था कि अगर स्कॉर्पियन काम करता है कि नहीं। तो ऑफकोर्स देख सकते हो पंपियन आयरन है, राइजिंग सन है, एंड देन फिर इंटरसेप्ट का वो नोड है, क्या कहते हैं उसको फोरसाइट वाला नोड है, हैवी हिटर है जिसका मतलब हैवी अटैक्स डेफिनेटली ज़्यादा डैमेज करेंगे, प्लस सामने वाले अपोनेंट के हैवी अटैक जो है पैसिवली अनस्टॉपेबल भी होंगे, तो आप उसको इंटरप्ट नहीं कर पाओगे, मतलब तो उसको बीच में रोक नहीं पाओगे। एंड देन फिर शिफ्टिंग इम्यूनिटी है ब्लीड एंड पॉइजन, तो वो बीच बीच में भी ब्लीड इम्यून हो जाएगी पॉइजन इम्यून हो जाएगी, तो इसलिए मैंने स्कॉर्पियन के साथ जो है मैं ये लेके गया, क्या कहते हैं कि भाई रप्चर डीपम अप्लाई किया। एंड यहाँ पर मैं ना लिटरली सोच ही रहा था कि भाई ये फाइट एक्चुअली जो है वर्थ इट नहीं रहेगी, बट स्टिल मैं ट्राई करना चाहता था कि जितना हो सके उतना मैं ट्राई करूँ ये फाइट कंप्लीट करने का, बट अगेन अमेरिका शावेस कहीं से भी हैवी अटैक लॉन्च करना स्टार्ट कर देगी, एंड उसके जब तक कि उसके पास वो पर्पल पैसिव एक्टिवेट है उसके सारे के सारे स्पेशल अटैक्स जो है अनब्लॉकेबल रहेंगे। एंड ऑफकोर्स फाइट में ज़्यादा कुछ मैंने तो कर नहीं पाया, तो मैं जस्ट ट्राई करना चाहता था जिसके केस अगर हल्कलिंग सॉरी स्कॉर्पियन काम कर रहा है कि नहीं। एंड देन फिर ऑफकोर्स यहाँ पर हम लोग अपना 6-star rank 3 स्पाइडर हैम लेकर जाएंगे, होपफुली अगर ये हमको 7-star में मिले तो ऑफकोर्स ये एक डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है रैंक 3 के लिए। मेरे पास अभी कोई भी करंटली रैंक 3 है नहीं, बट डेफिनेटली करंट रैंक 3 के एक कंटेंडर है जो कि एक शूरी रहेगी क्योंकि मेरे पास टेक का 2-3 जेम मिला है,
नेक्रोपोलिस फर्स्ट टाइम कंप्लीट करने के बाद शायद मैं सोच रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट जो है नेक्रोपोलिस करूँगा 8.4 ख़त्म होने के बाद, आई मीन 100% एक्सप्लोर होने के बाद, क्योंकि गेम में अब तक आई गेस तीन या फिर चार ही मैक्सिमम रैंक 3 पॉसिबल है, उसके अलावा रैंक 3 पॉसिबल ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप स्टोर में से जो भी है ऑफर्स सिलेक्ट करते हो, क्योंकि वहाँ से ऑफकोर्स आपको वो क्या कहते हैं टीयर 4 के अल्फ़ा कैटलिस्ट मिलते हैं एंड 7 स्टार रैंक 3 चैम्पियन को ले जाने के लिए टीयर 4 अल्फ़ा कैटलिस्ट चाहिए, जो कि काफ़ी रेयर है, रेयर इन द सेंस मिलते ही नहीं है, देख मतलब कॉन्टेंट के कॉन्टेंट कम्प्लीट करने से भी नहीं मिल रहे, इतने रेयर है। तो या जो भी आप रैंक 3 आप देख पा रहे हो गेम के अंदर, तो या तो वो उन लोगों ने ऑफर्स खरीदे हैं, या तो फिर उन लोगों ने 100% अपने नेक्रोपोलिस कंप्लीट किया है, या तो फिर उन लोगों ने 100% एक्ट 8.4 किया, क्योंकि एक एक्ट 8.4 में से एक मिलेगा एंड देन फिर 100% नेक्रोपोलिस कंप्लीट करने से आपको एक मिलेगा, सॉरी दो मिलेंगे, क्योंकि एक कंप्लीशन से आता है और एक 100% एक्सप्लोर करने से आता है। सो या अगेन फाइट में मेरे को ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, बेसिकली जस्ट स्पाइडर हैम लेके जाओ, उसको SP1 तक ही बेट करो एंड देन फिर डी जनरेशन डैमेज जो भी देख रहे हो मेरे को ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो डैमेज हो रहा है, क्योंकि एक पॉइंट पे आके वो डी जनरेशन डैमेज एकदम ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि बेस्ड ऑन वो प्रॉपर पर्पज अगर ए 5 है 6 है जितने भी है तो उतने 10% तक का जो है कम डैमेज लूँगा, अगर मेरे पास 7 प्रॉपर पर्पज है तो बेसिकली 70% मैं लेस डैमेज लूँगा डी जनरेशन डी बफ से, तो मेरे को ये देखने की ज़रूरत ही नहीं, मेरे को हैवी अटैक करने की ज़रूरत नहीं राइजिंग सन को काउंटर अटैक करने के लिए, या तो फिर आप क्या कहते हैं वो लेके जा सकते थे बट अगेन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्या कहते हैं एंजिला, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी डिजनरेशन डैमेज की वजह से। तो या ऐसा करके हम लोगों ने फर्स्ट वाला पाथ कंप्लीट कर लिया एंड ऑफकोर्स हम लोग धीरे धीरे करके सारे के सारे पाथ जो है कवर अप कर लेंगे। या इतना सा था वीडियो एंड होपफुली अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।